फ्रेंड्स, बच्चों, बीए थर्ड की फिफ्थ सेमेस्टर की जो क्लास हम कर रहे हैं, इसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। आज का जो हमारा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 5, एग्रीकल्चरल रिसोर्सेज ऑफ द वर्ल्ड। इस चैप्टर के अंतर्गत हम देखेंगे कि विश्व में किन किन फसलों की पैदावार ली जाती है, किन किन क्षेत्रों में कौन सी फसल अधिकतम बोई जाती है, और किस फसल को किस तरह की भौगोलिक दशाओं की आवश्यकता होती है। ये चैप्टर बहुत ही सामान्य है, क्योंकि हम सभी जिस समाज से आते हैं वो एक कृषि प्रधान समाज है, तो आप सभी को प्रारंभिक जो ज्ञान है कृषि का वो बहुत अच्छा है। तो आपको इस चैप्टर में उस ज्ञान के आधार पर ही विभिन्न फसलों का वितरण और उनसे जुड़ी हुई भौगोलिक विशेषताओं का आपको अध्ययन करना है। तो सबसे पहले प्रश्न ये उठता है कि कृषि क्या होता है। बच्चों, हम सभी अपने जीवन काल में बहुत बार कृषि शब्द का प्रयोग करते हैं। जब हम भौगोलिक रूप से देखें तो कृषि से अभिप्राय खेतों में फसल उगाना और साथ साथ पशुपालन करना है। कृषि का मतलब सिर्फ टिलेज ऑफ लैंड नहीं है, सिर्फ खेत को बोना नहीं है, बल्कि उसके साथ साथ पशुपालन भी खेती का एक अभिन्न अंग है। अंग्रेजी का जो शब्द है खेती के लिए वो है एग्रीकल्चर, जो लैटिन शब्द एग्रीकल्चरा से बना है, जिसका अभिप्राय होता है फील्ड को टिलेज करना, फील्ड को कल्टीवेट करना, यानी भूमि की जुताई करना। इस प्रकार कृषि का जो संबंध है वो शब्द के रूप में सिर्फ खेत की जुताई से है, लेकिन यदि एक आर्थिक क्रिया के रूप में हम कृषि को देखें तो उसमें न केवल खेत की जुताई बल्कि साथ ही साथ पशुपालन की क्रियाएं भी शामिल हैं। इस प्रकार कृषि का अर्थ फसल के उत्पादन करने की प्रक्रिया, उसकी कला, उसके विज्ञान और तकनीक से है। इसके अंतर्गत फसलों का उत्पादन, फलों का उत्पादन, पशुपालन, मुर्गी पालन, मक्खी पालन, मत्स्य पालन आदि अनेक आर्थिक क्रियाएं शामिल होती हैं। यदि हम देखें तो एग्रीकल्चर इज द आर्ट एंड साइंस ऑफ ग्रोइंग प्लांट्स एंड अदर क्रॉप्स एंड रेजिंग एनिमल्स फॉर फूड एंड अदर ह्यूमन नीड्स और इकोनॉमिक गेन। तो डेफिनेशन से साफ स्पष्ट है कि खेती बाड़ी का मतलब, कृषि का मतलब न केवल खेतों की जुताई करना है, बल्कि इसमें और वो सारी क्रियाएं शामिल हैं जिसमें आदमी पशुपालन करता है। वो पशुओं को चाहे अपने प्रयोग के लिए उगाता है, चाहे दूसरों के लिए उगाता है, चाहे उनका आर्थिक लाभ के लिए उगाता है। इस प्रकार कृषि एक प्राथमिक क्रिया है जिसमें खेतों की जुताई और पशुपालन सम्मिलित रूप से शामिल होते हैं। हम सभी जानते हैं कि हर फसल को बोने के लिए कुछ खास दशाओं की आवश्यकता होती है, इसीलिए कुछ खास फसलें कुछ सीमित क्षेत्रों में ही मिलती हैं। भूगोल के विद्यार्थी होने के नाते हम सभी को ये जानकारी होनी चाहिए कि किस भौगोलिक दशा में किस फसल का उत्पादन लिया जाता है। हम जानते हैं कि रबी, खरीफ, जायद तीन तरह की जो फसलें ऋतु होती हैं, फसल ऋतु कहते हैं इनको, क्रॉपिंग सीजन कहते हैं, अलग अलग प्रकार की भौगोलिक दशाओं विशेषताओं के साथ होते हैं। तो आगे हम देखेंगे कि किस प्रकार की फसल किस क्रॉपिंग सीजन से जुड़ी हुई है और क्या उसकी भौगोलिक दशाएं हैं। जब हमें किसी भी फसल का ऋतु का ज्ञान हो जाता है कि वो किस समय बोई जाती है, तो उसके आधार पर हम भौगोलिक दशाओं का अंदाजा लगा सकते हैं। जैसे जब हमें पता होता है कि खरीफ की फसल है चावल, तो हम जानते हैं कि खरीफ में अत्यधिक तापमान होता है और बारिश भी बहुत होती है, तो हम जानते हैं कि खरीफ की जो फसलें होंगी उनको अधिक तापमान और अधिक पानी की आवश्यकता वाली फसलें यहाँ बोई जाती हैं। अब यदि हम देखें तो हमारे प्रश्नों में, जब हम विश्वविद्यालय के हम पेपर देते हैं, तो हमारे पास जो प्रश्न आते हैं बहुत बार ऐसा आता है कि आप गेहूं की दशाएं बताएं या चावल की दशाएं बताएं। तो आपको लिखते समय ध्यान रखना है कि किन किन बातों का आपने अपने उत्तर में डिस्क्रिप्शन देना है। तो सबसे पहले किसी भी फसल का तापमान, उसकी वर्षा, मिट्टी, सिंचाई की आवश्यकता है या नहीं, श्रम किस प्रकार का लगता है, और साथ ही साथ एक मानचित्र अवश्य बनाना है आपने अपने डिस्क्रिप्शन में। तो चलें आगे देखें, हम पहली क्रॉप की तरफ चलते हैं। उससे पहले हम देखते हैं कि क्रॉपिंग सीजन कौन कौन से हैं। हम साधारण तौर पर यदि हम भारत के प्रस्पेक्टिव में बात करें तो हम कहते हैं रबी, खरीफ और जायद तीन प्रकार की जो फसलें लेते हैं हम, इनको क्रॉपिंग सीजन्स कहते हैं।
यदि हम रबी की फसल की बात करें जो विंटर क्रॉप होती है, इस समय कम तापमान होता है, कम आर्द्रता होती है, तो यहाँ जो भी फसलें बोई जाती हैं मूल रूप से वो कम तापमान वाली और कम पानी की आवश्यकता वाली होती है। जब हम खरीफ की बात करें तो खरीफ वर्षाकालीन फसलों का सीजन होता है, जब अधिक वर्षा होती है, अधिक तापमान होता है, तो उस समय हम उन फसलों को अधिक बोते हैं जिनमें अधिक वर्षा की, अधिक पानी की आवश्यकता होती है और तापमान अधिक चाहिए। वहीं जब हम तीसरी तरह की क्रॉपिंग सीजन की बात करें जिसको जायद कहते हैं, ऑल्दो ये बहुत ही सीमित क्षेत्रों में इस तरह की फसल बोई जाती है, ये मूल रूप से वो फसल होती है जिसमें अधिक तापमान होता है और कम आर्द्रता इस समय मिलती है। तो यहाँ वो फसलें बोई जाती हैं जिनको अधिक तापमान सहन करने की काबिलियत हो और कम पानी की आवश्यकता हो, कम पानी में भी वो सस्टेन कर पाएँ, वो ग्रो कर पाएँ, ऐसी फसलें हम बोते हैं। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं, विश्व स्तर पे हम देखेंगे चावल की क्या विशेषताएं हैं और उसके किस तरह का वितरण है। तो आप सभी जानते हैं कि चावल एक खरीफ की फसल है, यानी अब आपके दिमाग में सबसे पहले ये इमेज बननी चाहिए कि खरीफ है यानी अधिक पानी की आवश्यकता पड़ती है और अधिक तापमान की आवश्यकता पड़ती है। चावल मूल रूप से एक ट्रॉपिकल क्रॉप है, उष्णकटिबंधीय पौधा है, जिस जहाँ पर ये होता है वहाँ अधिक वर्षा होनी चाहिए, यदि वर्षा नहीं है तो सिंचाई की अत्यधिक आवश्यकता होती है। चावल के लिए डेल्टाई मिट्टी सबसे अच्छी मानी जाती है, साथ ही साथ यदि देखें अच्छे तापमान की भी आवश्यकता होती है, तापमान 25 डिग्री सेल्सियस से अधिक होना चाहिए और काटते समय तापमान यदि और भी ऊँचा होगा तो फसल को पकने में और तैयार होने में अच्छी सुविधा मिलेगी। इसके आगे यदि देखें, जैसा मैंने ऊपर बताया कि खरीफ की फसल है तो पानी की अधिक आवश्यकता है और बुआई करते समय एक खास विधि से जब हम इसकी बुआई करते हैं तो खड़े पानी की आवश्यकता होती है, यहाँ पर 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होनी चाहिए, यदि वर्षा नहीं है तो कृत्रिम सिंचाई का भी सहारा हमें लेना पड़ता है। साथ ही साथ जो चावल है वो एक श्रम प्रधान फसल है, जिसको बोने से लेकर काटने तक काफ़ी श्रम की आवश्यकता होती है, तो जिन स्थानों पर सस्ता मानवीय श्रम है, अधिक जनसंख्या निवास करती है, वहाँ पर चावल की बहुतायत में खेती की जाती है। आगे देखिए, जैसा मैंने ऊपर आपको बताया कि जो एक उष्णकटिबंधीय पौधा है यानी इसको गर्म और नम जलवायु पसंद है, ये समुद्र से 3000 मीटर की ऊंचाई तक के खेत जो क्षेत्र हैं वहाँ पर खेती की जाती है। इस तरह 8 डिग्री से लेकर 35 डिग्री तक के जो उत्तरी अक्षांश है वहां तक इसकी खेती पहुंच गई है। इसके अलावा यदि हम बात करें तो फसल की जो पूरी अवधि होती है उसमें तापमान जो है 21 से लेकर 42 डिग्री के बीच में होना चाहिए, जो फसल की विकास के लिए, उसके सही मैच्योर होने के लिए आवश्यक होता है। अब विश्व में चावल बहुत सारे तरीके से उगाया जाता है। मूल रूप से यदि हम देखें तो हम जब भारत को देखते हैं तो यहाँ पर खड़े पानी में हम बुआई करते हैं, वहीं कुछ ऐसे तकनीक भी हैं जिसमें शुष्क या अर्धशुष्क तरीके से भी चावल की बुआई की जाती है। विश्व के जो ज़्यादातर हिस्से हैं वहाँ पर पानी में चावल को बोया जाता है जिस तरह भारत में बोया जाता है, लेकिन जहाँ तकनीकी विकास हो पाया है वहाँ पर एक अलग तरीके से भी चावल की खेती की जा रही है। आगे देखें, चावल 25 डिग्री उत्तर से लेकर 25 डिग्री दक्षिण का जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है जहाँ साल भर गर्मी पड़ती है, अच्छी वर्षा होती है, यहाँ पर बड़ी मात्रा में उगाया जाता है। और आप यदि देखें तो कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जो मानसूनल क्षेत्र हैं जहाँ पर चावल के लिए विशिष्ट दशाएं मिलती हैं। आप देखेंगे ज़्यादातर जो मानसूनी क्षेत्र है वहाँ सभी जगह चावल अधिक मात्रा में होता है। इसमें चीन, भारत, इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, जापान और जहाँ जहाँ अन्य जो क्षेत्र बच गए जहाँ मानसूनी जलवायु मिलती है, चावल अधिक मात्रा में उत्पादन किया जाता है। चावल का विदेशी व्यापार जो है बच्चों बहुत ही सीमित है। आपको जान के आश्चर्य होगा कि दुनिया में चावल बहुत होता है। चावल दुनिया की सबसे बड़ी स्टेपल क्रॉप है, खाने की जो फसल है वो सबसे ज़्यादा चावल खाया जाता है। चावल जितना ज़्यादा खाया जाता है उतना ज़्यादा उगाया भी जाता है, लेकिन लोग जो देश हैं वो इसके विदेशी व्यापार को करना पसंद नहीं करते क्योंकि ये उस देश की खाद्य सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। तो चावल की अतिरिक्त जो उत्पादन होता है उसको स्टोर करके आने वाले समय के लिए बचा लिया जाता है, निर्यात या विदेशी व्यापार नहीं किया जाता है।
भारत के संदर्भ में यदि देखें और खासतौर से अपने राज्य हरियाणा के बारे में यदि देखें, तो हमारे यहाँ पर जो जियो क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं, एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं, उनके कारण यहाँ पर एक खास तरह का चावल उत्पादन किया जाता है जिसको हम बासमती चावल कहते हैं, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में काफ़ी मांग है। और हरियाणा क्योंकि यहाँ पर गेहूं की भी बहुत पैदावार होती है और हम ज़्यादातर गेहूं खाने वाले क्षेत्र हैं, तो अपने यहाँ चावल अतिरिक्त उत्पादन होता है, सरप्लस प्रोडक्शन होता है, तो हम बड़ी मात्रा में बासमती चावल को देश और अंतर्राष्ट्रीय राज्यों में, अंतर्राष्ट्रीय देशों में बेचते हैं। विश्व में जो चावल है उसकी बहुत मांग रहती है। यदि आप देखें भारत का जो चावल है, जापान, सऊदी अरेबिया आदि क्षेत्रों में निर्यात किया जाता है। इसके अलावा अमेरिका, चीन, पाकिस्तान भी इसके प्रमुख आयातक देश हैं। तो ये आपके सामने क्षेत्र दिखाए गए हैं जहाँ पर चावल की खेती होती है। चावल चीन में, भारत में, मलेशिया में, अफ्रीका के बहुत सारे क्षेत्र, इसके अलावा ब्राज़ील, अमेरिका के क्षेत्रों में जहाँ जहाँ उष्णकटिबंधीय जलवायु मिलती है, मूल रूप से उन क्षेत्रों में होता है। साथ ही साथ यहाँ पर सिंचाई जहाँ उपलब्ध है या अच्छी वर्षा होती है, सभी जगह चावल की खेती प्रमुखता से की जाती है। आगे है गेहूं। हम जानते हैं चावल की तुलना में गेहूं जो है एक रबी की फसल है, यानी इसको कम वर्षा और कम तापमान की आवश्यकता पड़ती है। ये मूल रूप से शीतोष्ण कटिबंधी यानी टेम्परेट टाइप की फसल है जो उन क्षेत्रों में होती है जहाँ पर तापमान जो है कम रहता है, सर्दी अधिक होती है, तापमान 14-15 डिग्री सेल्सियस रहता है। जितनी अधिक ठंड पड़ती है उतनी ही गेहूं की फसल अच्छी होती है। मूल रूप से गेहूं की खेती के लिए 60 से 100 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्र अच्छे माने जाते हैं। कम पानी की आवश्यकता होती है, जहां वर्षा बिल्कुल नहीं होती वहां सिंचाई पे भी गेहूं की खेती हो जाती है। गेहूं की खेती के लिए दोमट मिट्टी या जलोढ़ मिट्टी की आवश्यकता होती है। और आप देखेंगे जितना भी उत्तर भारत का जो विशाल मैदान है, यहाँ सभी जगह गेहूं की खेती जलोढ़ के मैदान में हो रही है, जो इसके लिए काफ़ी अच्छा माना जाता है। साथ ही साथ काली मिट्टी वाले क्षेत्र में भी इस फसल का अधिकतम उत्पादन लिया जा सकता है। गेहूं शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में बड़ी मात्रा में होता है। गेहूं के बारे में एक खास बात यह है कि गेहूं जिन क्षेत्रों में बर्फ पड़ती है वहाँ गर्मियों में बोया जाता है, और वही जो क्षेत्र जहाँ पर बर्फ नहीं पड़ती वहाँ ये सर्दियों में बोया जाता है। तो ध्यान देने योग्य बात यह है कि कुछ क्षेत्रों में सर्दी और गर्मी दोनों में ही गेहूं की उत्पादन किया जा रहा है। जैसे आप देखें यदि हम प्रेरी क्षेत्र की बात करें जो कनाडा में, यूएसए में है, जहां घास के मैदान है, आपने सुना होगा, इन घास के मैदानों में सर्दियों में गेहूं नहीं बोया जा सकता है क्योंकि यहाँ पर बर्फ जमी होती है। लेकिन जैसे ही गर्मी आती है, बर्फ़ पिघलने के बाद तापमान कम ही रहता है, फिर यहाँ गेहूँ की खेती हो पाती है। तो इस तरह भारत, चीन, अमेरिका, रूस, कनाडा, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और अर्जेंटीना जो हैं दुनिया के सबसे बड़े उत्पादक देश हैं। ये उत्पादक देश इतने बड़े हैं कि इनके पास उत्पादन स्वयं के उपभोग के बाद भी काफ़ी बड़ी मात्रा में बच जाता है, जिसके कारण ये व्यापार भी काफ़ी बड़ी मात्रा में करते हैं। ये आपके सामने क्षेत्र दिखाए गए हैं, कुछ मेजर एरियाज हैं, कुछ माइनर एरियाज हैं जो पीछे हमने डिस्कस किए, सेम उसी का मैप पे डिस्ट्रीब्यूशन आपको दिखाया हुआ। आगे देखिए, आगे चलते हैं कमर्शियल क्रॉप्स। अब देखिए अभी तक हमने जो देखी वो खाद्य फसलें थी, देवर स्टेपल क्रॉप्स। स्टेपल क्रॉप्स वो होती हैं जो हम खाने के लिए प्रयोग में लाते हैं, फूड ग्रेन्स थे। अब हम बात करते हैं उन फसलों की जो बाजार में बेचने के लिए उगाई जाती हैं। तो इसमें सबसे पहला है कॉटन। आप सभी जानते हैं कि कपास की खेती के लिए उच्च तापमान, हल्की वर्षा और 210 दिनों से अधिक जो पाला रहित जो दिन है वैसा होना चाहिए, तेज धूप अच्छी होती है। इसके लिए कपास की फसल को पकने में 6 से 8 महीने लगते हैं, जिस समय 21 से 27 डिग्री तापमान होना चाहिए, 65 से 100 सेंटीमीटर रेनफॉल होनी चाहिए, और काली मिट्टी कपास की खेती के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है। यदि हम वैश्विक स्तर पर देखें तो कपास के कई वेरिएंट मिलते हैं, कई प्रजातियां मिलती हैं, लंबे रेशे वाली, मध्यम रेशे वाली और छोटे रेशे वाली कपास हम साधारण तौर पर सुनते हैं। मिस्र में, इजिप्ट में और यूएसए में लंबे रेशे वाली कपास होती है जो काफ़ी अच्छी मानी जाती है, और भारत में मध्यम से छोटे रेशे वाली कपास होती है जो बहुतायत में होती है। यदि हम विश्व स्तर पर कपास के उत्पादक देशों की बात करें तो चीन, अमेरिका, भारत, मिस्र, पाकिस्तान, ब्राज़ील, अर्जेंटीना ये हैं।
और भारत का इसमें काफ़ी अच्छा उत्पादन होता है, काफ़ी अच्छा स्थान है। भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा कपास उत्पादक क्षेत्र है। यहाँ पर यदि हम देखें तो जो हमारा दक्कन का पठार है, जहाँ काली मिट्टी मिलती है, महाराष्ट्र गुजरात वाला क्षेत्र जो है, यहाँ पे काफ़ी बड़ी मात्रा में कपास का उत्पादन होता है। यदि हम हरियाणा की बात करें तो आपने जींद हिसार सिरसा वाला जो क्षेत्र है, वहाँ पर काफ़ी बड़ी मात्रा में कपास उगाया जाता है। ये कपास के उत्पादक क्षेत्र हैं। आप देखें कि मूल रूप से उष्णकटिबंधीय क्षेत्र हैं, जहाँ पर अच्छी वर्षा होती है, अच्छा तापमान है, जिसके कारण यहाँ पर कपास के लिए आदर्श दशाएँ मिलती हैं। आगे बात करें कमर्शियल क्रॉप में ही, यहाँ गन्ने की बात करेंगे, गन्ना भी एक कमर्शियल क्रॉप है, जिसका उत्पादन बाजार में बेचने के लिए किया जाता है, लाभ कमाने के लिए किया जाता है। फिर से ये एक उष्णकटिबंधीय पौधा है और बड़ा लंबे समय लेता है तैयार होने में। इसकी विशेषता ये है कि इसको तापमान 20 से 28 डिग्री के बीच चाहिए, 8 से 10 महीने एक लंबी अवधि तक इसको अच्छी वर्षा चाहिए, और यदि वर्षा नहीं है तो इसके लिए हमें सिंचाई का बंदोबस्त भी करना पड़ता है। उत्तर भारत में खास तौर से पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, इन क्षेत्रों में, इसी तरह महाराष्ट्र, कर्नाटक के दक्षिण भारतीय राज्यों में गन्ने की खेती की जाती है। यदि हम देखें तो गन्ना एक बहुत ही अच्छी वाणिज्यिक फसल है, काफ़ी अच्छी नगदी फसल है, जिससे चीनी और चीनी के जो अन्य उत्पाद होते हैं, गुड़ बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है, और भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा चीनी उत्पादक देश है। यदि हम वैश्विक स्तर पर देखें तो गन्ने का जो डिस्पर्शन है, मूल रूप से उन क्षेत्रों में है जहाँ अधिक वर्षा, अधिक तापमान होती है, क्योंकि ये उष्णकटिबंधीय फसल है, और साथ ही साथ उन देशों में अधिक किया जाता है जहाँ पे समुद्र के पास वाले जो क्षेत्र हैं, क्योंकि गन्ने को नमी की भी आवश्यकता होती है, नमी में अच्छा गन्ना लंबी देर तक टिकता है, चीनी निकालने के अधिक समय मिलता है, तो उन क्षेत्रों में गन्ने का अधिक उत्पादन देखा जाता है। इसी तरह अब हम बात करेंगे प्लांटेशन क्रॉप की, रोपण फसल की। बच्चों आप जानते हैं बहुत सारी फसलें ऐसी होती है जिनके बगान लगाए जाते हैं। ये बगान लगाने का जो क्षेत्र, जो फसलें होती हैं, इनको हम रोपण कृषि कहते हैं, रोपण फसलें कहते हैं, प्लांटेशन क्रॉप्स कहते हैं, जिसमें चाय, कॉफ़ी, केला, पाइनएप्पल, ये इस तरह की जो फसलें हैं जिनको बोया जाता है। चाय मूल रूप से 18 डिग्री से 24 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर अच्छी होती है, अच्छी 250 सेंटीमीटर के करीबन वर्षा होनी चाहिए, लेकिन यहाँ वर्षा में ये ध्यान रखने योग्य बात है कि पानी खड़ा नहीं होना चाहिए, इसीलिए मूल रूप से चाय ढलान वाले क्षेत्रों में, जिसमें जीवाश्म काफ़ी अच्छे हों, यानी जो उसमें फसल के गुणवत्ता के लिए जीवों के अंश अच्छे हों, तो वहाँ फसल अच्छी होती है। ये मूल रूप से उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में उग जाता है, और इसके करने के लिए ढलान वाली मिट्टी और गहन श्रम की काफ़ी आवश्यकता होती है, अधिक श्रम चाय में आवश्यक होता है, इसलिए ये एक श्रम प्रधान फसल है। इसके अतिरिक्त यदि देखें तो भारत में एक अच्छा चाय का उत्पादक देश है, जिसमें आसाम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल में चाय उगाई जाती है। भारत में काफ़ी अच्छे दर्जे की चाय उगती है। भारत के अलावा यदि हम देखें तो पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, कीनिया, चीन, जापान, थाईलैंड, कुछ ऐसे देश हैं जहां पर बड़ी मात्रा में उत्पादन होता है। ये आपके सामने मानचित्र पर डार्क ग्रीन से वो क्षेत्र दिखाए गए हैं जो मेजर प्रोड्यूसर हैं, वहीं लाइट ग्रीन से वो क्षेत्र दिखाए गए हैं जो माइनर प्रोड्यूसर हैं, छोटे उत्पादक हैं। इसी क्रम में आगे चलते हैं, कॉफ़ी को यदि देखें तो कॉफ़ी भी एक बेवरेज है, पेय पदार्थ है, जो विश्व में काफ़ी इसकी मांग रहती है। इसको भी काफ़ी अधिक वर्षा की आवश्यकता होती है, 80 से 200 सेंटीमीटर, और ये भी उष्ण और आर्द्र क्षेत्रों के लिए उपयुक्त मानी जाती है। 15 डिग्री से 30 डिग्री तापमान होना चाहिए बीच में, और कॉफ़ी के उत्पादन के लिए मिट्टी में लोहे के और चूने के अंश अधिक होने चाहिए, जिससे ये अच्छी से ग्रो कर पाए। मूल रूप से यदि हम देखें तो इसके उत्पादक देशों में ब्राज़ील, भारत, वियतनाम, कंबोडिया, मैक्सिको, इथोपिया प्रमुख हैं, और बहुत सारे अफ्रीका के देशों में ये एक प्रमुख फसल है, जो उनकी आजीविका चलाने में और विदेशी मुद्रा अर्जन करने में काफ़ी सहायक होती है, क्योंकि ज़्यादातर कॉफ़ी की डिमांड जो है ठंडे क्षेत्रों में है, जहाँ इसका उत्पादन नहीं होता है। अब यदि देखें तो भारत में जो
चाय है, उसी तरह कॉफी भी काफी मात्रा में उगाई जाती है, मूल रूप से कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु के क्षेत्र में, जहाँ पर विदेशों से लाई गई प्रजातियाँ, जो अरेबिका जो टाइप की जो कॉफी की नस्ल है वो उगाई जाती है और निर्यात की जाती है। और भारत, जो कि भारत एक काफी बड़ी जनसंख्या वाला देश है, यहाँ पर इंटरनल डिमांड भी कॉफी की काफी अधिक है। ये कॉफी बेल्ट है, देखिए जहाँ जहाँ कॉफी का उत्पादन होता है, लैटिन अमेरिकी देश है, अमेरिका है, मेक्सिको का क्षेत्र है, इसी तरह अफ्रीका के जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र हैं, भारत है, इंडोनेशिया है, मलेशिया है, ये वो क्षेत्र हैं जहाँ कॉफ़ी उगती है, क्योंकि कॉफ़ी उष्णकटिबंधीय क्षेत्र की प्रमुख फसल है। आगे चले, कमर्शियल क्रॉप में ही रबड़ भी एक महत्वपूर्ण फसल है जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में होती है, जहाँ पे 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा हो और वर्ष भर ऊंचा तापमान हो, वहाँ ये पौधा काफ़ी चलता है। ये किस तरह का पौधा होता है, जिससे एक दूध जैसा पदार्थ निकलता है जिसको लेट्रेक्स कहते हैं। ये डेली कलेक्ट किया जाता है, जब काफ़ी सारा ये कलेक्ट हो जाता है तो इसको प्रोसेस करने के लिए फैक्ट्रियों में भेजा जाता है, जिससे रबड़ बनता है। आपकी जानकारी के लिए बताऊं कि रबड़ एक सदाबहार टाइप का पेड़ होता है जो हमेशा ये लेट्रेक्स देता है और ये बहुत अधिक मांग में है। प्राकृतिक रूप से जो रबड़ होता है उसकी काफ़ी अच्छी इलास्टिसिटी होती है, वो वाटर रेजिस्टेंट होता है, वो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट होता है, जिसके कारण इसकी बहुत मांग है। लेकिन जितनी अधिक मांग है उतना हम पूरा नहीं कर पाते, इसीलिए रासायनिक तौर पे भी एक सिंथेटिक रबड़ बनाया जाता है और दुनिया भर में उसका भी काफ़ी उत्पादन है। यदि भारत में देखें तो रबड़ मूल रूप से दक्षिण भारतीय राज्यों में होता है, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश इसके प्रमुख उत्पादक राज्य हैं। तो यदि हम देशों की बात करें तो ब्राज़ील, मलेशिया, इंडोनेशिया, ज़ायरे, कांगो, नाइजीरिया, ये प्रमुख क्षेत्र हैं जहाँ पर नेचुरल रबड़ उगाई जाती है। ये सारे के सारे उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आते हैं, ये आपके सामने मानचित्र पर दिखाए गए हैं। ये सारे के सारे उष्णकटिबंधीय क्षेत्र हैं जो विश्व के प्रमुख रबड़ उत्पादक क्षेत्र हैं। तो इस तरह बच्चों, इस चैप्टर में हमने विभिन्न फसलों की बात की, उनकी भौगोलिक दशाओं की बात की, उनके क्षेत्रीय वितरण की बात की। यहाँ आपको ध्यान देना है कि सबसे पहले आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि वो जो फसल जिसकी हम बात कर रहे हैं वो किस ऋतु की है, किस क्रॉपिंग सीजन की है, और उसकी विशेषताओं को ध्यान पर रख के आपको डिस्क्रिप्शन लिखना है। आपको विश्व स्तर पे भी बताना है, और साथ में जब विश्व स्तर पे किसी चीज़ का उत्पादन होता है, यदि उसमें भारत का भी स्थान है, तो आपको भारत के राज्यों का नाम भी बताना है। मानचित्र बनाने की भी आपको प्रैक्टिस करनी है। साथ ही साथ आपके सामने स्क्रीन पर ये कुछ प्रश्न दिए हैं, कुछ शॉर्ट आंसर टाइप हैं, कुछ लॉन्ग आंसर टाइप, इनके आपने उत्तर लिखने हैं और अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। आपके यदि कोई प्रश्न हो, कोई सुझाव हो, तो आप WhatsApp ग्रुप के माध्यम से या इस ईमेल आईडी पे मेरे से जुड़ सकते हैं। मुझे बड़ी खुशी होगी आपके शंकाओं का समाधान करने में। तो आज के लिए धन्यवाद बच्चों, थैंक यू।